इट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड एंगर, क्योंकि एक बंदा आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो चुका है एंड देर इज नो वे दैट यू कैन अंडू दैट एक्सपीरियंस. यू थिंक दैट यू आर एट द मोस्ट सिक्योर स्पेस राइट नाउ, जो कि आपका तलीमी इदारा है, और आपके तलीमी इदारे की जिम्मेदारी है कि वो आपको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें. पर जब आपका तलीमी इदारा ही आपके हरेसमेंट के इश्यूज को एड्रेस करने में नाकाम हो जाता है, तो आप बेबस हो जाते हो. इट स्टार्ट्स विद शॉक, समथिंग दैट्स सेल्डम एसोसिएटेड विद योर प्रिविलेज्ड जेंडर. यू नेवर थिंक इट कैन हैपन टू यू. Then comes denial. Your very rational brain starts to justify the actions of the harasser, starts making excuses for him. And finally, the fog settles. You realize it's actually happening. There's no unseeing it. It scars you for life. Aur umar bhar ke liye dil ke darwaze band ho jate hain. Personally, I can't single out the worst experiences of harassment that I've had, because they are always bad and they always make you feel very scared, and it also gives a mental tortures in some situations. And one more thing is that if I report it kisi bhi institute mein, to I'm not sure about it and I'm not confident that it would it be helpful for me or not. But on the other hand, the society accepts this as a norm, and this is not the solution of it, I think. It was shock at first, and sharam ki intaha dekhi. I couldn't even tell it to my mother, because bachpan se hi there is no open discussion on such topics. Ki aisi situations ko kaise tackle karna hai, reaction kya dena hai, baat karni hai is bare mein. But no, I stopped going to public places after that for quite a long time. Itna impactful tha wo incident meri life mein. It was horrific and still gets me the chills. Assalamu alaikum. My name is Asi Akbar. I am advocate high court aur main pichle 8 saalon se human rights pe kaam kar rahi hoon. Taleemi idaron mein harassment ke against hamare paas ek act maujood hai jisko kehte hain the protection against harassment of women at the workplace act 2010. ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, और इसके तहत किसी भी तालीमी इदारे को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता है, और इसके अलावा इंक्वायरी कमेटी तश्कील देनी होती है. और ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी भी तालीमी इदारे के तमाम नोटिस बोर्ड्स पर जिस्पा किया जाता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स को और इदारे के मेम्बरान को इसकी अवेयरनेस देना ज़रूरी है. ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट अगर किसी इदारे में ना बनाया जाए, तो उसके खिलाफ कोई भी स्टूडेंट या इदारे का कोई भी मेंबर उठ के मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसकी वजह से इदारे को फाइन भी होता है और जज की तरफ से उसकी कंप्लाइंस के बारे में इंश्योर भी किया जाता है. सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं. दूसरा स्टेप जो है एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें, जिसमें 3 मेंबरान होते हैं मिनिमम, और 3 मेंबरान में एक फीमेल मेंबर होना लाजमी है. इसके अलावा हाँ, ओरिएंटेशन और अवेयरनेस भी स्टूडेंट्स को और तमाम इदारे के तमाम मेंबरान को देना ज़रूरी है, और ये एम्प्लॉयर का या तालीमी इदारे की जो इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर कोई इदारा, कोई भी तालीम इदारा ये कंप्लाइंस शो नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट कोई भी स्टूडेंट जाके पटिशन फाइल कर सकते हैं मुतलका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, तो किसी भी वो जो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन होते हैं, उनको जाके कर सकते हैं. और आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो इस एक्ट में सिर्फ वेमेन का नाम लिया गया है, लेकिन इस एक्ट के तहत मेल स्टूडेंट्स भी हरेसमेंट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, इंक्वायरी कमेटी को कांटेक्ट कर सकते हैं. फाइन इसका 1,00,000 तक है, और 25,000 से कम नहीं हो सकता. मेरा नाम मरियम जोहेब है, और मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ. इस वक्त मैं निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. तकरीबन मेरा 15 साल का यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंस है. पाकिस्तान की सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस क्यों फेल हो रहे हैं एंटी हरेसमेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, और इसको
आगे बढ़ाने में. द बेसिक रीज़न इसके पीछे क्या है, वो ये है कि हमारे ही लोगों को हमारे ही सिस्टम पर भरोसा नहीं है. बहुत सारे लोग जो हैं वो आवाज़ बनने के लिए डरते हैं, क्योंकि देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि उनको कंपेल करते हैं कि वो आवाज़ ना बुलंद कर सके. सेम केस विद द वुमेन, वुमेन की जो रेपुटेशन है वो हाई एट स्टेक होती है, और वो इस कदर स्टेक पर होती है कि उसकी फैमिली, उसका पर्सनल लाइफ सब कुछ डिस्टॉर्ट एंड डिस्टर्ब हो चुकी होती है. हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये भी है कि हमने इस चीज़ को टैबू बना दिया, हम इस पर बात नहीं करना चाहते. क्योंकि ये हमारे इज्जत का सवाल है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे. स्टूडेंट की जो रिपीटेशन होती है वो एट स्टेक होती है, जिसकी वजह से उन्होंने की पर्सनल लाइफ जो होती है, निजी ज़िंदगी जो होती है, वो तबाह बर्बाद हो चुकी होती है. तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात अवेयरनेस होना लाजमी नहीं है, उतनी करेज भी होना लाजमी है कि इस पर काम किया जा सके, इंस्टीट्यूशन इस पर आवाज़ उठा सकें और इस पर काम किया जा सके. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिका हसन है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ लाहौर. मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हरासमेंट के लॉज को इम्प्लीमेंट करने में जो मेजर उनके फेलियर का रीज़न है, सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. हमें ये तक नहीं पता मोस्टली लोगों को कि हरासमेंट का असल में मतलब क्या है, सेक्शुअल हरासमेंट को डिफ्रेंशिएट रेगुलर हरासमेंट से कैसे करते हैं. रेगुलर से मेरा मतलब है कि नॉन सेक्शुअल हरासमेंट जो है वो इंस्टीट्यूट्स में होती है, पब्लिक में, प्राइवेट में, हर जगह पर होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं है. सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है. दूसरा ये कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हमने लॉस तो बना दिए हैं लेकिन ना विक्टिम को पता होता है कि उसके राइट्स क्या हैं, ना कि इंस्टीट्यूट को पता होता है कि आपने अगर कोई विक्टिम कंप्लेंट लेके आ रहा है तो उसको एड्रेस कैसे करना है. इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं ये लॉस या उनको इन्फोर्स करना है, वो लोग रिलक्टेंट हैं. देयरफॉर इंस्टीट्यूट जो हैं वो खुद भी रिलक्टेंट है इसको इन्फोर्स करने के लिए. बाकी दूसरा ये कि इसमें पैसा लगता है, इसमें टाइम लगता है. आपको एक टीम एलोकेट करनी होती है, आपको सिलेक्शन करनी होती है उन लोगों की कि जिनको पता हो, जो लोकेट कर सकें विक्टिम को. उनकी जो मेजर इस वक्त मार्केट है इंस्टीट्यूट्स की वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन को बेसिकली बेचना है. वो इस चीज़ के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है स्टूडेंट को या स्टूडेंट बॉडी को.